खासदारकी रद्द झाल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आक्रमक झालेले आहेत। अदाणी आणि मोदींच्या संबंधांवर प्रश्न विचारल्यानंच माझ्या विरोधात कारवाई करण्यात आली आहे असा आरोप त्यांनी केलाय। अदाणींच्या शेल कंपनीमध्ये 20,000 कोटी कुणी गुंतवले असा सवालही त्यांनी विचारलाय। ओबीसी वक्तव्यावरून माफी मागण्याच्या मुद्द्यावर मी सावरकर नाही गांधी आहे असं ते म्हणालेत। खासदारकी रद्द झाली तरी मी गप्प बसणार नाही असंही ते म्हणालेत। राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। काल त्यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिलेली आहे। यावेळी सुद्धा ते आक्रमक पाहायला मिळालेत। अदाणी आणि मोदींच्या संबंधांवर प्रश्न विचारल्यानंच माझ्यावर कारवाई झाली असा आरोप त्यांनी यावेळी केलेला आहे। तर अदाणींच्या शेल कंपनीमध्ये 20,000 कोटी कुणाचे आहेत असा सवालही त्यांनी विचारलाय। अदाणी जी की शेल कंपनीज हैं उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया? अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालिफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं कहां हूं, क्योंकि क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है? राहुल जी, बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफ़ी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफ़ी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफ़ी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफ़ी नहीं मांगता।